विधानसभा का उपचुनाव जीतने के बाद अब नीलम देवी के समर्थकों के बीच जो जीत का जश्न मनाने का सिलसिला है वो शुरू हो गया है। एक तरफ जीत का जश्न मनाया जा रहा है तो दूसरे तरफ बिहार की सियासत में नीलम देवी के जीत के बाद इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि अब नीलम देवी नीतीश कैबिनेट में मंत्री बनेंगी। दरअसल महागठबंधन की सरकार बनने के बाद से आरजेडी कोटे से अनंत सिंह के बेहद करीबी आरजेडी एमएलसी कार्तिकेय सिंह को मंत्री बनाया गया था, लेकिन एक पुराने मामले की वजह से कार्तिकेय सिंह को इस्तीफा देना पड़ा और फिलहाल आरजेडी के अंदर से यानी महागठबंधन में आरजेडी कोटे से किसी भूमिहार चेहरे की एंट्री को लेकर जो चर्चा चल रही थी वो अब अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी के चेहरे से पूरी की जा सकती है। इस बात को और बल तब मिला जब नीलम देवी चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने सीएम हाउस पहुंची। वहां मुख्यमंत्री से मिलकर आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी नीलम देवी को जीत की बधाई दी। उसके बाद नीलम डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के पास पहुंची, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से मुलाकात कर उनका भी आशीर्वाद लिया। उसके बाद से यह कयास और तेज हो गई कि क्या नीलम नीतीश कैबिनेट में भूमिहार चेहरा के तौर पर मंत्री हो सकती हैं। दरअसल अनंत सिंह के बेहद करीबी कार्तिकेय सिंह को महागठबंधन की सरकार में जब मंत्री बनाया गया था तो आरजेडी कोटे से यह दलीलें दी गई थी कि भूमिहार चेहरे को वहां जगह दी गई, यानी तेजस्वी यादव का जो मिशन था A to Z उसे अमली जामा पहनाया गया था। लेकिन कार्तिकेय सिंह के इस्तीफे के बाद से उस तबके से कोई मंत्री आरजेडी कोटे से बिहार सरकार में नहीं था। फिलहाल उस सीट पर जो है उम्मीदवार तलाशे जा रहे थे। हालांकि महागठबंधन की सरकार बनने के बाद से मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ है, लेकिन अगर इस बीच मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो नीलम देवी के चेहरे पर आरजेडी दाव खेल सकती है, क्योंकि मोकामा की जीत से यह तय हो गया है कि आरजेडी यानी तेजस्वी यादव जिस मिशन के तहत बिहार के चुनाव में घूम रहे थे और बिहार की सियासत में MY समीकरण के साथ A to Z की पार्टी बनाने में तेजस्वी लगे हुए हैं, उसकी सफलता के झंडे मोकामा में गाड़े गए हैं। और सबको पता है कि मोकामा के जीत में एक खास जाति विशेष का कितना महत्व रहा। यही वजह है कि मोकामा चुनाव जीतने का इनाम आरजेडी के तरफ से तेजस्वी यादव नीलम देवी को दे सकते हैं। आपको बता दें कि दूसरी तरफ महागठबंधन में महिला कोटे से एक और मंत्री हो जाएंगी। अगर नीलम देवी को आरजेडी के तरफ से मंत्री बनाने का प्रस्ताव दिया जाता है और नीतीश कैबिनेट में उनको जगह दी जाती है तो महागठबंधन की नई सरकार बनने के बाद से आरजेडी कोटे के दो मंत्रियों का इस्तीफा हो चुका है। पहले कार्तिकेय सिंह का इस्तीफा हुआ, उसके बाद आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह का इस्तीफा नीतीश कुमार के दबाव में करना पड़ा था। आरजेडी कोटे के दूसरे मंत्रियों के पास इस्तीफा देने वाले मंत्रियों का विभाग तो चला गया, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के मंत्रियों की संख्या कम हो गई। ऐसे में देखना होगा कि नीतीश कैबिनेट का विस्तार कब होता है और क्या वाकई नीलम देवी की एंट्री कैबिनेट में हो पाती है। हालांकि जैसे ही महागठबंधन की सरकार में राजद की भागीदारी हुई, मंत्रिमंडल में आरजेडी के कोटे से जो मंत्री बनाए गए उसमें जातीय समीकरण का विशेष ध्यान रखा गया था, लेकिन दो जातियों में जो समीकरण बैठाया गया था राजपूत और भूमिहार, इस जाति के जो मंत्रिमंडल में सदस्य थे उनमें से दो सदस्यों का इस्तीफा आरजेडी को कमजोर कर रहा था। और इसका नुकसान भी आरजेडी को गोपालगंज में हुआ जब राजपूत वोटरों के बीच आरजेडी ने कुछ खास मुकाम हासिल नहीं किया। यही वजह है कि मामूली अंतर से आरजेडी गोपालगंज चुनाव हार गई, लेकिन भूमिहार चेहरे के बदौलत मोकामा का चुनाव आरजेडी जीत गई। उसके बाद से इस दावे पर और बल मिलने लगा है कि अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो इस बार भूमिहार चेहरे के तौर पर अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को मौका मिल सकता है।